आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के भारत नगर में वाहन चोर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश बुरी तरह घायल। पुलिस को चोरी की गाड़ी से एक देसी कट्टा भी हुआ बरामद। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद है, इसकी एक बारीकी दिल्ली के भारत नगर में देखने को मिली, जहां बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने से गुरेज नहीं किया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में बदमाश बुरी तरह घायल हो गया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाश दिल्ली के भारत नगर इलाके में पहुंचने वाला है, जहां पुलिस ने ट्रैप बिछाया और जैसे ही बदमाश को आते हुए देखा तो पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर बदमाश की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई, जिस फायरिंग में बदमाश बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने चोरी की गाड़ी से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने वाहन चोर को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।